यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 63। यशायाह अध्याय 63। यह कौन है जो एदोम के बोआ नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है और अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है? यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तेरा पहरावा क्यों लाल है और क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदने वाले के समान है? मैंने तो हौद में अकेले ही दाखे रौंदी है और देश देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैं अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके ही लोहू से जो छींटे जो मेरे वस्त्र पर पड़ी, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है, क्योंकि पलटा लेने का दिन मेरे मन में है और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है और मेरे ताकने पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा। और मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं मिला। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा और अपनी जलजलाहट में उन्हें मतवाला किया और उनके लोहू को भूमि पर बहा दिया। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इस्राएल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवादन करूंगा। उसने कहा कि निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं और ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे, इसलिए वह उनका उद्धारकर्ता हो गया। उनके सारे संकट में उसने भी संकट उठाया और उसका प्रत्यक्ष रूप दूत उनका उद्धारकर्ता था। प्रेम और कोमलता से वह आप उनको छुड़ा लेता था और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और आप उनसे लड़ने लगा। तब उसके लोगों को प्राचीन दिन अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया, वह कहा है? जिसने उसके बीच अपना पवित्र आत्मा डाल दिया, वह कहा है? जिसने मूसा के दहिने हाथ पर अपने प्रतापी भुजबल को साथ कर दिया और उनके सामने जल को दो भाग करके अपना सदा का नाम कर दिया, वह कहा है? जो उनको गहरे समुद्र में इस प्रकार ले चला जैसा घोड़ों को जंगल में, ऐसा कि उनको ठोकर न लगे, वह कहा है? जैसे घरेलू पशु निचान में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा की आत्मा ने उनको विश्राम दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की ताकि तू अपना नाम महिमायुक्त बनाए। स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वास स्थान है, दृष्टि कर। तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहा? तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। निश्चय तू तो हमारा पिता है, इब्राहिम तो हमें नहीं पहचानता और इस्राएल हमारी सुधि नहीं लेता। तो भी हे यहोवा परमेश्वर, तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। यहोवा, तू क्यों हमको अपने मार्गों से भटका देता और हमारा मन ऐसा कठोर करता है कि हम तेरा भय नहीं मानते? अपने दासों, अपने निज भाग के गोत्रों के निमित्त लौटा। तेरी पवित्र प्रजा तो थोड़े ही काल तक अधिकारी रही। हमारे द्रोहियों ने तेरे पवित्र स्थान को लताड़ दिया है। हम लोग तो ऐसे हो गए हैं कि मानो हम पर तूने कभी प्रभुता नहीं की और न हम पर न हम कभी तेरे कहलाए।